अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल लेडीज, वेलकम करती हूँ जी अपने चैनल स्लीक एंड एलिगेंट पे, जो कि है आपकी हर प्रॉब्लम के सलूशन के लिए। और प्रॉब्लम बहुत बड़ी है जी, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। स्किन पे हैं फ्रैकल्स, दाग धब्बे, मलाजमा और है जी हाइपर पिगमेंटेशन। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं किस वजह से हैं, रीजंस पे बात करें तो बहुत सारी वीडियोस इस पे शूट हो सकती हैं, हम रीज़न पे नहीं जा रहे हैं। जिस भी रीज़न से हुई है, अब प्रॉब्लम ये है कि इसको फिक्स कैसे करना है, इसको ख़त्म कैसे करना है। तो आज आपको बता रही हूँ कि अपनी मॉर्निंग रूटीन में अगर ये वाला आप फेस वॉश इसको कह सकते हैं, इसको फेस क्लिनजर कह सकते हैं, आप जो भी इसको नाम दें, अगर अपनी मॉर्निंग का स्टार्ट जो है आप इससे करते हैं 15 डेज़ के लिए, तो आपकी स्किन पर दाग धब्बे बिल्कुल गायब हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो इसको यूज़ करें जी, इसको फेस पे आपने इसकी क्लिनजिंग करनी है। ये डबल जो है क्या कहते हैं ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा है, एक तो स्किन को क्लींस करेगा, दूसरा स्किन पे स्क्रबिंग होगी, डेड स्किन साथ के साथ रिमूव होगी, और तीसरी इसकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं इस फेस मास्क की, फेस पैक की और फेस वॉश की, के स्किन को लाइटन करेगा, ब्राइटन करेगा, दाग धब्बे बिल्कुल गायब हो जाएंगे। तो इसको आपने अच्छे तरीके से स्किन पे इस तरह मसाज करना है और उसके बाद कर लेना है फेस को वॉश। तो उम्मीद करी हूँ जी यहाँ तक वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें अगर इसी तरह की ज़बरदस्त वीडियोज़ जो है वो वॉच करना चाहते हैं। और नेक्स्ट देखेंगे ये वाला मैजिकल मॉर्निंग रूटीन का फेस वॉश किस तरह है जी। तो मॉर्निंग की जो फर्स्ट रेमेडी है उसको बनाने के लिए बहुत कम इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं आपको, और उसमें मैंने लिया है जी, यहाँ पे मैं क्रश किया हुआ एलोवेरा सोप है सईद गनी वालों का। आपको जो भी, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, जो भी आपको सोप पसंद है उसमें वाइटनिंग भी हो और जो है वो इफ़ेक्टिव भी हो, तो आप उसको क्रश करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जी ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन, और बेसन की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ये हैं कि स्किन को चमकदार बनाता है, और इससे अच्छा क्लींजर, बेस्ट क्लींजर जो है वो दुनिया में नहीं है जिससे आप स्किन क्लींस करें और आपकी स्किन पे शाइन ना आए, आपके दाग धब्बे दूर ना हो, ऐसा क्लींजर बना ही नहीं है। उसके बाद जी राइस फ्लोर, और राइस जो है वो हर किस्म की वाइटनिंग क्रीम्स और दाग धब्बों को ख़त्म करने वाली, फ्रैकल्स और मलाजमा से जान छुड़ाने वाली क्रीम्स में और रेमेडीज़ में आप यूज़ होते हुए इसको देख ही रहे हो। और राइस जो है ये है फेवरेट जैपनीज़ और कोरियन लेडीज़ का, अपनी स्किन की केयर के लिए इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, और आपको पता है कि उनकी स्किन कितनी नीट, फ्लॉलेस और स्पॉटलेस है। तो इसको यूज़ करना है। और उसके बाद जी दूध, दूध की अहमियत से कोई इनकार कर ही नहीं सकता, और इसके बेनिफिट्स बताने बैठ से हैं तो कई वीडियोज़ जो हैं वो शूट हो सकती हैं। तो दूध को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं हम इस पेस्ट को बनाने के लिए, और आप यकीन करें अगर आप अपनी मॉर्निंग रूटीन में इसको ऐड कर लेते हैं जस्ट 15 डेज़ के लिए, तो आपकी स्किन स्पॉटलेस हो जाएगी, आपकी स्किन रेडिएंट हो जाएगी, स्किन पे कोई दाग धब्बा बाकी नहीं रहेगा। और आजकल के वेदर में जैसे स्वेट बहुत ज़्यादा आ रहा है और चिपचिपी स्किन हो जाती है, स्किन जितना भी सोप लगा लें, कोई भी फेस वॉश यूज़ कर लें, उससे स्किन जो है वो नीट नहीं होती, एक अजीब सी कंडीशन है फेस पे, तो वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बहुत फ्लॉलेस स्किन हो जाएगी। अच्छा, इसमें दूध की क्वान्टिटी जो है वो आप अपनी जो आपका पेस्ट है उसकी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग ले सकते हो, बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए क्योंकि हम इसको फेस वॉश के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, और फेस वॉश जो है और इसकी स्क्रबिंग भी हम साथ करेंगे।
अच्छा, इसको आप डेली भी बना सकते हो, और जो पाउडर फॉर्म मैंने आपको बताया है, जिस तरह बेसन है और चावल का आटा है, राइस फ्लोर, और उसके अलावा जो मैंने आपको सोप बताया है, उसको आप क्रश करके एक जो है उसमें कंटेनर में आप मिक्स करके रख सकते हैं, और डेली उठाएं उसको और थोड़ा सा दूध मिक्स करके डेली पेस्ट बनाएं और डेली यूज़ करें। अदरवाइज़ आप नहीं अगर बना के रख रहे तो इस तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, डेली थोड़ा सा जो है सोप क्रश करें और दोनों चीज़ें जो है ये मिक्स करके इसका पेस्ट बना लें, और इसकी एप्लीकेशन है बहुत ही ज़्यादा ईजी।